इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप MBA कॉलेज इन वेस्ट बंगाल। हे गाइस, मेरा नाम है अबू फरहान और आप देख रहे हो कॉलेज स्कूल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसा है कॉलेज, कब बना था कॉलेज, क्या है उसकी प्लेसमेंट एंड कितनी है उसकी फीस। सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो या फिर उन कॉलेजेस के स्टूडेंट से बात करना हो तो भी आप हमें कॉल कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर दिया गया है। या फिर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो कॉलेज से रिलेटेड, जो आपको कंफ्यूज कर रही हो, परेशान कर रही हो, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हो इसी नंबर पे। कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको मिल पाए। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर लीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आगे वीडियो और बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो कॉलेज है वो है IIM कलकत्ता। आप सभी जानते होंगे इस कॉलेज को एंड इसकी लोकेशन है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। एंड अगर हम इसके फाउंडेशन ईयर की बात करें तो 1961 में कॉलेज बना था। एंड अगर हम इसके कॉलेज टाइप की बात करें तो ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है ये, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो ऑटोनोमस होगी। एंड अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें तो फीस आपको 23 लाख टोटल देखने को मिलेगा आपका 2 ईयर का, तो फीस काफ़ी कॉस्टली है इसकी। एंड अगर हम इसके प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो जा रहा है वो आपको 34 लाख के लगभग जा रहा है एंड जो एवरेज प्लेसमेंट जा रहा है वो 31 लाख के लगभग जा रहा है। तो जिस हिसाब से फ़ीस लग रही है उस हिसाब से प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है। एंड जितने भी IIMs वगैरह हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, हर जगह फ़ीस काफ़ी कॉस्टली है उनकी। तो एंड इसमें आप कैट, मैट एंड जेड के थ्रू ही आप इसमें जा सकते हो। तो देखते हैं हम नेक्स्ट कॉलेज। इस कॉलेज को आप सभी बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, IIT खड़गपुर। इसमें अभी आपका MBA होता है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि IITs में भी MBA होता है, तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, जितने भी ऑल ओवर इंडिया में IITs हैं अब उसमें MBA भी होने लगे हैं। तो आप कैट के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके एंट्रेंस के थ्रू आप इसमें जा सकते हो। IITs के अंदर BTech भी होता है, साथ में अब MBA भी करा रहे हैं। MBA का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, जैसे इसमें आप देख रहे होंगे VGSOM, इसका फुल फॉर्म होता है विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। एंड अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये भी आपको खड़गपुर में देखने को मिलेंगी। एंड इसकी फाउंडेशन ईयर की बात करें तो 1993 में कॉलेज बना था। एंड इसके हम टाइप की बात करें तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, आप सभी को ही पता है। एंड अगर हम इसके फीस की बात करें, PGDM की फ़ीस कितनी है, इसकी जो टोटल फ़ीस है वो आपको 12,82,000 रुपये देखने को मिलेंगी। एंड अगर हम इसका प्लेसमेंट की बात करें तो जैसी फ़ीस है वैसा ही प्लेसमेंट है। हाई जो प्लेसमेंट गया है वो आपको 26 लाख गया है एंड जो एवरेज प्लेसमेंट गया है वो 18,44,000 गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉलेज। नेक्स्ट कॉलेज जो है वो है IIM कोलकाता। इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। एंड इसकी हम लोकेशन की बात करें तो ये आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल। एंड अगर हम इसकी फाउंडेशन ईयर की बात करें तो 2010 में कॉलेज बना है। एंड इसके हम टाइप की बात करें तो प्राइवेट है। एंड अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें तो 6,51,000 इसकी पर ईयर फीस है। एंड अगर हम इसकी टोटल फ़ीस की बात करें तो टोटल फीस आपको अराउंड 13 लाख के समथिंग पड़ जाएगी। तो अगर आप इसमें भी एडमिशन लेते हो तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है। एंड अगर हम इसके प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट जो है वो हाईएस्ट जो गया है वो आपको 20,70,000 टोटल गया है एंड एवरेज जो है 9,12,000 रुपये गए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉलेज। इस कॉलेज का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेलफेयर बिजनेस एंड मैनेजमेंट। एंड अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये आपको कलकत्ता। एंड अगर हम इसकी फाउंडेशन ईयर की बात करें तो काफ़ी पुराना कॉलेज है, 1953 में बना था। एंड अगर हम इसके टाइप की बात कर लें तो पब्लिक मतलब गवर्नमेंट है ये कॉलेज। एंड अगर हम इसकी फ़ीस की बात कर लें तो जो फर्स्ट ईयर फीस है 3 लाख रुपये देखने को मिलेंगी। तो टोटल जो फीस है अराउंड आपको 6 लाख टोटल देखने को मिलेंगी। अगर हम इसकी प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट जो प्लेसमेंट गया है वो 18 लाख गया है एंड जो एवरेज प्लेसमेंट गया है वो आपको 5 लाख गया है। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉलेज। इस कॉलेज का नाम है सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी। इसकी जो लोकेशन है वो कोलकाता में आपको देखने को मिलेगी। एंड अगर हम इसके फाउंडेशन ईयर की बात करें तो 2017 में बना है, जो कि काफ़ी नया कॉलेज है अभी। एंड अगर हम इसके कॉलेज टाइप की बात करें तो प्राइवेट है। एंड अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें तो 2,76,000 रुपये पर ईयर फीस है इसकी।
एंड अगर इनके प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा दिख रहा है, 32 लाख इसका हाईएस्ट गया हुआ है। एंड जो एवरेज है 80% बच्चों को मिलता है वो 6 लाख मिलता है। नाउ हम अब देखते हैं नेक्स्ट कॉलेज। इस कॉलेज का नाम है कलकत्ता बिजनेस स्कूल। एंड अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन आपको कलकत्ता में देखने को मिलेगी। एंड अगर हम इसके फाउंडेशन ईयर की बात करें तो 2002 में कॉलेज बनके तैयार हुआ था। एंड अगर हम इसके कॉलेज टाइप की बात करें तो प्राइवेट है, ऑटोनोमस, आप सभी को पता ही है प्राइवेट ऑटोनोमस होता है, किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड नहीं होता ये। एंड अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें तो फ़ीस आपको इसमें टोटल 3,73,000 फर्स्ट ईयर की फ़ीस आपको देखने को मिलेगी, तो टोटल आपको 7 लाख के करीब आपको इसमें फ़ीस देखने को मिल जाएगी। अगर हम इसमें प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट हाईएस्ट जो है वो 11 लाख गया है। एंड जो एवरेज प्लेसमेंट है जो मोस्टली बच्चों का लगता है वो अराउंड 5,40,000 के करीब लगा है। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉलेज। इस कॉलेज का नाम है ICFI बिजनेस स्कूल, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में IBS भी कहते हैं। एंड अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन आपको कोलकाता में देखने को मिलेगी। एंड अगर हम इसके फाउंडेशन ईयर की बात करें तो 1995 में कॉलेज बना था। एंड अगर हम इसके टाइप की बात करें तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। एंड फीस की बात करें तो जो टोटल फीस है वो आपको 9 लाख देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी हाई है। एंड अगर हम इसके प्लेसमेंट की बात करें तो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो गया है वो आपका 10 लाख गया है। एंड जो एवरेज प्लेसमेंट गया है वो आपको 6 लाख गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉलेज। इस कॉलेज का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में IME भी कहते हैं। एंड इसकी हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन आपको कोलकाता में देखने को मिलेगी। अगर हम इसके फाउंडेशन ईयर की बात करें तो ये 1989 में कॉलेज बना था। एंड अगर हम इसके टाइप की बात करें तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें तो इसकी फर्स्ट ईयर की जो फ़ीस है वो आपको 3,02,000 रुपये पर ईयर फीस देखने को मिलेगी। अगर हम इसके प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट आपका जो हाईएस्ट है वो 10,50,000 गया हुआ है। एंड जो एवरेज है वो आपको 4,02,000 रुपये गया हुआ है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉलेज। इस कॉलेज का नाम है भारतीय विद्या भवन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BIMS। एंड अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये आपको कोलकाता में देखने को मिलेगी। फाउंडेशन ईयर 2002 में बना था। एंड कॉलेज टाइप की बात करें तो प्राइवेट है। अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें तो फ़ी जो है वो आपको टोटल 3 लाख देखने को मिलेगी, जो कि ठीक है, मतलब एवरेज फीस से नॉर्मल बंदा इसमें पढ़ सकता है। अगर हम इसके प्लेसमेंट की बात करें तो जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया वो 9 लाख गया है। एंड जो एवरेज प्लेसमेंट गया है वो 4,80,000 गया है, जो कि ठीक है, जितनी फीस ले रहे हैं उस हिसाब से प्लेसमेंट अच्छा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉलेज। ये यूनिवर्सिटी आपको हर जगह देखने को मिलेगी। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो कोलकाता में है। एंड फाउंडेशन ईयर 2015 में बना है कॉलेज। एंड टाइप प्राइवेट है, आप सभी जानते हैं। एंड अगर हम फीस की बात करें तो जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस है ये आपकी 4,02,000 है, तो अराउंड आपको टोटल अगर MBA की फ़ीस देख लें तो 8 लाख इसमें है। अगर हम उसी हिसाब से प्लेसमेंट देखें तो हाईएस्ट जो प्लेसमेंट गया है वो 10 लाख गया है, जो कि फ़ीस से ज़्यादा है। एंड जो एवरेज प्लेसमेंट गया है वो 4 लाख, जो कि फ़ीस से आधा है। तो ये रहे वेस्ट बंगाल के सारे कॉलेजेस। उम्मीद है कि वेस्ट बंगाल के सारे कॉलेजेस आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो, जो आपको डाउट हो, तो आप स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप वहाँ से कॉल करके पूछ सकते हो। और अगर आप स्टूडेंट से भी बात करना चाहते हो, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था, तो आप हमें कॉल कर सकते हो और सारी चीज़ें पूछ सकते हो, और उनसे आप बात करके अपना फीडबैक ले सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।